ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम अमन है। मैं बचपन से ही अकेला रहता हूँ। वैसे कोई है नहीं जिंदगी में, इसलिए अकेला ही बचपन से जी रहा हूँ। सब कुछ अकेले ही किया। मेरे को लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद है, इसलिए अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो लगा कि अकेलापन अब ज़्यादा हो रहा है, कोई चाहिए। तो मैंने देखा कि डॉग्स बड़े अच्छे होते हैं। मैं एक डॉग को ले आया। वो डॉग काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। कुछ ही दिनों में मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया। वो ऐसा हो गया था जैसे मेरा कोई अपना ही हो। मैंने इंसान में और उसमें कभी कोई फ़र्क ही नहीं किया। वो जैसे मेरा अपना हो गया। रोज़ उसके साथ खेलना कूदना मुझे काफ़ी पसंद था। मैंने बहुत पैसे जोड़े थे और एक घर लिया था। वो अकेले में था, मतलब थोड़ा उसके आसपास जंगल वाला एरिया था। वो शांति का एक बेमिसाल उदाहरण था वो घर, क्योंकि उसके आसपास सिर्फ जंगल था, कोई जंगली जानवर भी नहीं था। सिर्फ मैंने उस घर को इसलिए लिया था कि मैं और मेरा डॉग आराम से इंजॉय करेंगे वहाँ अकेलेपन में। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और नेचर किसको नहीं पसंद है। वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। वहाँ नेचुरल हवा से हमारी सेहत में भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। यही सब सोच के मैंने उस घर को लिया था और उस घर में मैं रहने के लिए चला गया अपने डॉग के साथ। मैं कई दिनों तक उस घर में रहा। मैं एक बार मॉर्निंग वॉक पे था अपने डॉग के साथ और अपने डॉग को घुमा रहा था। हमने काफ़ी किलोमीटर तक वॉक कर ली थी। तभी अचानक से मेरा डॉग काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर भागा और मैंने उसके गले की बेल्ट को ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ से उसकी बेल्ट छूट गई और वो भागता हुआ काफ़ी दूर एक पेड़ के पास आके रुक गया। मुझे काफ़ी अजीब लगा तो मैं उसके पास गया। वो डॉग, मेरा डॉग पेड़ को सूंघने लगा और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। ऐसी हरकतें मैंने पहले उसे करते हुए देखा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई बात हो जो मुझे समझ ना आ रही हो। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था उस पेड़ को सूंघते हुए। और मेरी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में भी और एक बार नाइट में भी उसको वॉक कराने ज़रूर ले जाता था, ताकि घर में बंद रह रह के उसका दिमाग ख़राब ना हो। उसे ज़्यादा देर घर में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता था। सुबह भी एक बार वॉक करवा देता था और शाम को एक और बार वॉक करवा देता था, ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और एक ऐसे ही रात को जब मैं उसको वॉक करा के घर वापस आ रहा था तो मेरा ध्यान मोबाइल में था। मैं मोबाइल को यूज़ कर रहा था। मेरा कुछ अर्जेंट मेल वगैरह आ रखे थे, जिसकी वजह से मैं उन मेल्स को पढ़ रहा था। और तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरा डॉग भौंकने लगा। उसके भौंकने से मेरा ध्यान गया। जब मैंने उस दिशा में देखा जहाँ मेरा डॉग भौंक रहा था, तो मुझे काला सा थोड़ा सा जीव सा दिखा कुछ। उसे देखकर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो था क्या। और वो अचानक से इतनी जल्दी वहाँ से गायब हो गया जैसे कोई हवा का झोंका हो। मेरा डॉग उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको वहाँ जाने नहीं दिया। मेरा डॉग उसी दिशा में देखकर भौंक रहा था और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। काफ़ी देर बाद जब मेरा डॉग शांत हुआ तो मैं उसे लेकर घर आया और मैंने उसे खाने के लिए दिया, लेकिन उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा डर दिख रहा था। वो खाना नहीं खा रहा था और शांति से बैठा हुआ था और हमारे दरवाजे को घूर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे डॉग के साथ ये सब हो क्या रहा है। मेरा डॉग कुछ भी नहीं खा रहा था। वो अपनी पूंछ को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था और दरवाजे की तरफ घूर रहा था। मैंने उसे काफ़ी प्यार किया और सोचा कि प्यार करने से थोड़ा उसका मूड ठीक होगा और वो खाना खा लेगा। काफ़ी देर ऐसे ही उसके साथ खेलने के बाद उसने आखिरकार खाना खा लिया और मुझे चैन आया। जब उसने खाना खा लिया तो मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। मुझे लगा ये आवाज़ मेरी डॉगी की है, लेकिन मेरे को शक लगा कि ऐसी आवाज़ तो मेरा डॉगी करता नहीं। तो मैं तुरंत नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मेरा डॉगी दरवाजे की तरफ घूर रहा है और
अपने बेल्ट को काटने की कोशिश कर रहा है। मेरे डॉगी ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। उसने मेरी तरफ देखा और गले की बेल्ट को चबाने लगा, जैसे वो मुझे कह रहा हो कि इस बेल्ट को खोल दो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अचानक से मेरे दरवाजे पे कोई जोर जोर से मारने लगा, और जब मैं दरवाजे के पास गया तो मेरा डॉग पागलों की तरह भौंकने लगा, जैसे वो मुझे वार्न कर रहा हो कि दरवाज़ा मत खोलो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और दरवाज़ा पटकने तक तो ठीक ही था, लेकिन अचानक से मुझे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आई, और ये वही आवाज़ थी जो मैंने बेडरूम में सुनी थी, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी ज़ोरों से मेरे दरवाजे पे वार कर रहा था, मानो अभी कुछ ही मिनट में दरवाज़ा टूट जाएगा। फिर मैंने एक छोटे से छेद से बाहर झांकने की कोशिश की, और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक हाइब्रिड था, जो कि तकरीबन 7 फुट का तो होगा ही होगा। उसकी हाइट मेरे घर के दरवाजे जितनी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था। मुझे तो वो हाइब्रिड एकदम डॉग और ह्यूमन का मिक्सचर लग रहा था। वो दिखने में एकदम इंसान की तरह था, लेकिन उनकी उसकी शक्ल एकदम डॉग जैसी थी। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कई मूवीज़ में हाइब्रिड के बारे में सुना था, लेकिन ये पता नहीं क्या था। उसे देखकर तो मैं 1 मिनट तक सन्नी रह गया, और मेरा डॉग बार बार भौंके जा रहा था और अपनी बेल्ट को काटने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं तुरंत अपने रूम में गया और अपने फ़ोन से मदद के लिए कॉल कर ही रहा था, लेकिन जब मैंने कॉल करने की कोशिश की तो कहते हैं ना कि मौत जब घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो मदद की कोई भी गुहार कोई काम नहीं आती। वही मेरे साथ हुआ। मैंने देखा कि कॉल लग ही नहीं रहा था। मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो कॉल एंड हो जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत नीचे उतरा और अपने दरवाजे पे देखने लगा, तो वो दरवाजे पे हाथ मारना जो भी वो हाइब्रिड था वो शायद वहाँ से जा चुका था, लेकिन मेरा डॉग अभी भी दरवाजे की तरफ घूर रहा था। मैंने अपने डॉग की बेल्ट को खोल दिया। मेरा डॉग पूरे घर में घूमने लगा, और हम दोनों जब ऊपर थे तभी अचानक से मुझे हमारे घर का दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरा डॉग नीचे भागता हुआ गया, और मैंने अपने डॉग का पीछा किया तो मुझे पता था कि वो जो भी था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने अपने डॉग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे भागता हुआ गया और उसके पीछे पीछे मैं भी गया। और जब मैं नीचे गया तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेरा किचन था, तो मुझे किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और मैं समझ गया कि वो वहीं पर है। मैं अपने घर से भागने ही वाला था और अपने डॉग को भी वहाँ से लेकर भाग ही रहा था, तभी मेरा डॉग मेरे घर से बाहर आया ही नहीं। मेरे डॉग ने किचन की तरफ देख के भौंकना शुरू कर दिया, और जब मैं उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगा तो भी वो नहीं आया। और मैंने जब उसे देखा तो वो जैसे कह रहा हो कि वो भागने वाला नहीं है, वो लड़ना चाहता था। वो किचन की तरफ देख के भौंक रहा था, और अचानक से वो हाइब्रिड मेरे किचन से बाहर निकल के आया और उसने मुझे देख लिया। वो मेरे ऊपर हमला करने ही आ रहा था। उसने अपने खूंखार हाथों से मुझ पे वार किया, और वो वार इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं जब सुबह उठा तो देखा कि मेरी चेस्ट से खून बह रहा है, और जब मैंने अपनी चेस्ट की ओर ध्यान दिया तो मेरे चेस्ट पे पंजे के निशान थे, और वो पंजे के निशान काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और जब मैंने अपने बगल में देखा तो उसे देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने देखा कि मेरा डॉग, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका जबड़ा बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, उसके पूरे शरीर पे काफ़ी गहरे ज़ख्म थे, और वो मेरे बगल में बैठा हुआ हाँफ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और जैसे वो कह रहा हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया,
मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि रात को आखिर हुआ क्या था, लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जैसे तैसे एम्बुलेंस को बुलाया और हम दोनों का इलाज हुआ। मैंने उस घर को तुरंत बेच दिया और कहीं और रहने के लिए चला गया। लेकिन आज भी मैं अपने डॉग का एहसान मंद हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो उस रात मेरे साथ नहीं होता तो मैं उसी रात मारा गया होता।